कोरोना की वजह से कई देशों में स्थिति बिगड़ी हुई है, तो वहीं कोरोना से निपटने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। कई अधिकारी कर्मचारी कोरोना से निपटने के लिए रात दिन कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं ड्यूटी के दौरान प्रेरणादायी फिल्मी गाने गाकर लोगों को कोरोना के इस संकट की घड़ी में एहतियात बरतने का संदेश भी दे रहे हैं। बालाघाट यातायात थाने के ASI जिनेंद्र भूषण मिश्रा का गाना गाकर ड्यूटी करने के इस अंदाज का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब चर्चाओं में बना हुआ है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। काम हर हाल में, नाम को साल में, ईद की एक छुट्टी मनाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। चार का काम है, एक का दाम है, चार का काम है, एक का दाम है। खून मत पीजिए और कुछ दीजिए, एक रुपया है कम, हम खुदा की कसम। एक रुपया है कम, हम खुदा की कसम। बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। जीना मुश्किल तो है, अपना भी दिल तो है, दिल में अरमान है, हम भी इंसान हैं। जीना मुश्किल तो है, अपना भी दिल तो है, दिल में अरमान है, हम भी इंसान हैं। जब सताते हैं गम, ऐश करते हैं हम, जब सताते हैं गम, ऐश करते हैं हम। बीड़ी पीते हैं, पान खाते हैं, सारी हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। आपने मास्क नहीं लगाया था, अभी गाड़ी में आप गाड़ी चला रहे थे, मास्क नहीं लगाया था आपने?
उसको अच्छा करो, मास्क को, खराब हो गया वो, दूसरा वाला चाहिए, दूसरा मिलेगा, ठीक है? ओके। देखिए गाना तो मेरा बचपन से शौक रहा है और मैं गाने गाते रहा हूँ बचपन से, आज पहली बार ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मैं अपने इस गीत के माध्यम से ये जो गरीब मजदूर जो भूखे प्यासे और किलोमीटर कई किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके और ये यहाँ पे पहुँचे, तो इन लोगों के साथ में हमदर्दी से कि ये जो है ये वायरस इस कदर लेके डूबा है आप लोगों को कि आप लोग जहाँ मजदूरी काम करने के लिए जाते थे वहाँ से आप बिल्कुल आपको निरंक लौटा दिया गया और खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है आपकी, लेकिन शासन ने और प्रशासन ने आप सब लोगों के लिए खाने पीने की पूरी सुविधा उपलब्ध करके रखी है। हाँ आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो आपके वहाँ पे एक केंद्र बनाया गया, आपके गांव में आप जहाँ के भी रहने वाले हैं तो वहाँ पे आप जो संक्रमण चल रहा है ये 14 दिन आपको आइसोलेशन में गांव से और परिवार से हट के रहना पड़ेगा आप लोगों को, और आपसे मेरी सबकी विनम्र अपील है कि आप बाहर जहाँ भी रहें वहाँ से बाहर ना निकलें, उस दरवाजे को आप क्रॉस ना करें। बस मैं एक वो कुली फिल्म का गाना गा रहा हूँ, लेबरों को उनके अपना कुली के माध्यम से, कुली फिल्म के माध्यम से जो यानी बताया गया है वो उनको समझाइश दे रहा हूँ मैं कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखो, आप आपकी सब व्यवस्था प्रशासन कर चुका है, आप आ जाओ और कोरोना वायरस से निपटने के लिए आप तैयार रहो, आप बाहर मत। गाने के साथ साथ ड्यूटी का भी परिपालन करना वो तो कैसा लगता है? वो तो आवश्यक है, वो तो मुझे करनी है, मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है वो, लेकिन ये जो दूर से मजदूर थके हारे के हाल, कई मजदूर ऐसे भी आए मेरे सामने कि तीन दिन तक भोजन नहीं किए उन्होंने, लेकिन वहाँ यहाँ बिठाल के अभी शहरों से कुछ व्यवस्था की गई तो आलू पोहा उगरे, नाश्ता वास्ता, बिस्किट के पैकेट उगरे, उनको सबको अरेंज कराया गया यहाँ पे, बढ़िया अपना उनको रखा गया 15-20 मिनट और उनको खिला पिला के फिर यहाँ से रवाना किया गया। वर्धा से? अच्छा, और बाकी सब लोग वर्धा से आ रहे हो? नागपुर से आ रहे हो और भंडारा से। तो आप सभी मजदूर साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है और अपील भी है कि आप लोग वापस अपने अपने घर जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ से जाने के बाद आप घर से थोड़ा सा घर में परिवार के सदस्यों से थोड़ा दूरी बना कर रखिएगा, 6 फीट की कम से कम दूरी बना के रखिएगा, है ना? ठीक है। और अभी शायद आइसोलेशन में रखा जाएगा आप लोगों को, उसके बाद ही आप फिर घर पे जाओगे, तो गांव में ही आइसोलेशन बना हुआ है, तो वहीं पे रहोगे आप लोग, उसके बाद फिर घर जाओगे, है ना? गरीब हो मजदूर हो, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों ने खाना खाया हो कि नहीं? खाना खा ली हो ना? और नहीं तो व्यवस्था हो जाएगी, है ना? अभी नगर पालिका जा रहे हो आप, तो व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो उसकी, है ना? और सब अपना अपना ध्यान रखो, हमेशा मुंह पे ये बिल्कुल बांध के रखो, है ना? उसकी बाहर जाने मत दो, ठीक है? और परिवार से थोड़ा दूरी बना के रखना। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में ड्यूटी के दौरान गाना गाकर जागरूक बनाने वाले जिनेंद्र मिश्रा के साथ ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी मानते हैं कि उनके गाना गाकर ड्यूटी करने से न सिर्फ उनका ड्यूटी में मन लगा रहता है बल्कि दिन भर थकान का एहसास भी नहीं होता। इस बीच में हमारे एसआई साहब हैं, बहुत अच्छे गाना भी गाते हैं जिससे हम लोग का मन भी लगा रहता है काम करने में, और एक एटमॉस्फेयर यहाँ का ऐसा होता है कि अच्छा लगता है, महसूस होता है, और बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने अभी सुना था और आने जाने वालों को भी अच्छा महसूस होता है कि पुलिस प्रशासन और एक स्वास्थ्य विभाग सम्मिलित होकर के ड्यूटी कर रहा है और एक माहौल अच्छा उत्पन्न कर रहा है। एक वर्दी के साथ इस तरह से ड्यूटी के दौरान हमदर्दी भी दिखाना लोगों के प्रति और लोगों को जागरूक भी करना कैसा लगता है? वर्दी के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये अपने यहाँ का ये कल्चर है कि बिना डंडे के अगर जितना अच्छे से समझ जाए, पहले प्यार की भाषा उसके बाद मार की भाषा, अगर प्यार से समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है ये, तो उसके बाद वर्दी का रौब भी दिखाना जरूरी, मगर वर्दी का बिना रौब बताए हमारे ऐसा ही साहब क्या है उनको प्यार की भाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्या समझदार आदमी समझ जाता है और जो ना समझ होगा फिर उसको डंडा भी है उसके लिए। तो इस प्रकार से हम दोनों डिपार्टमेंट मिल करके जितना अच्छे से अच्छा
जनता को अपन सहयोग कर सक रहे हैं और हमारी ड्यूटी भी हम निभा रहे हैं। हमें तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की, अच्छे से अच्छे जनता को हमारी सेवाओं का फ़ायदा मिले। चलिए।